Cool countries and cities. Cool countries and cities. तो पॉडकास्ट अच्छा क्या होता है? हाँ पॉडकास्ट ही तो तुम कर रहे हो. ये देखो ओ देखा अरे माइक आवाज अच्छी आती है. इंडियंस का क्या ट्रैवल लेजर ट्रैवल प्लेजर वाटर. आज मैं बात करता हूँ उसके बारे में. YouTube पे जो बच्चे नहीं जो बच्चे के ऊपर लोग ब्लॉग नहीं बनाते रहते हैं वंडर साहब. अरे ट्रिगर्ड इंसान की बहन निश्चय मलान की बहन प्रेरणा मलान. हाँ अरे यार छोटे मोटे यूट्यूबर आ जाते हैं. तो आज आप बताते हैं उदयपुर इंडियन बारे में. आई स्टॉक फोटो आशा करता हूँ आस्था मेरी है. आस्था मेरी है. निकाली 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 पूरी डिटेल के हमारी. हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देवान जनरेटेड टॉक्स एपिसोड 3 ऑफ द डे. हमारे लिए ना एक वीक में हम 7 वीडियोस बनाते हैं. बताओ मेहनत. तो आज का टॉपिक है आयरलैंड और उसके 75 लाख रुपए. 75 नहीं भाई इकहत्तर है. 75 भाई 71 है. गलत गलती करती है. ये सही लिखा है उसने 71 लाख ही सही है भाई. ये देखो हर वेबसाइट पर है 71 लाख. चलो अच्छा हाँ तो इस कंट्री के बारे में हम लोग आज आपको बताएंगे ये कि आपको यहाँ जाने के मिलेंगे 500 एक साल बोलेंगे 71 लाख रुपए. समझ भलाई नहीं आया होगा 71 ठीक है. तो 71 लाख रुपीज फॉर जस्ट गोइंग देयर एंड हैविंग अ मैरिज. बस सेटल होना है जाके. बस वहां जाके सेटल होना है. भाई ले ले कह रहे भाई वहां जाके सेटल होना है और तो और शादी करनी है. वहां पे आपको ये बेसिकली ये करना है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो भी सिटीजन जाएगा जो भी जाएगा उसको एक अपनी सिटीजनशिप दे देंगे. मतलब जाते ही आपको सिटीजनशिप दे देंगे 71 लाख रुपीज दे देंगे. लेकिन हाँ अरे वो कंडीशन वही तो बताया जाता है. कंडीशन ये है कि आपको वहां जाके शादी करनी ही करनी है. अगर आप सिंगल गए हो तो आपको शादी करनी है. अगर आप मैरिड गए हो तो आपको अपने सारे चच्चे बच्चे को लेकर जाना है. बच्चों को चच्चा बच्चा को नहीं लेकर ले जाना पता चला उनकी भी शादी. ये तो है फॉर दी अंडरवेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. The scheme was launched by Ireland government to increase the population in the country and overall economic growth. Under we are at community development. जिसके वेबसाइट पे लिखा है उसके वेबसाइट का जो है लिंक नीचे आ रहा है. नीचे क्या क्या देख लीजिएगा. उन्होंने क्या ही डाला है मतलब कैसा अंडर वी आर एट कम्युनिटी डेवलपमेंट. अब लिंक से भेजते नहीं हो पिछले वाले एपिसोड के लिंक नहीं भेजे तो पता है. अब कंडीशन ये है कि आप वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है. हाँ आपको वहाँ पे आपको अपना एक साल के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको अपनी फैमिली बढ़ाते रहना है वहाँ पर. मतलब ये कि वहाँ पे जाओ पॉपुलेशन उनकी बढ़ाओ बस. इस यही एक सबसे सिंपल कंडीशन है उन लोग की. हाँ. और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो एक साल में ताकि उन लोग की इकोनॉमी भी बढ़ाओ तुम लोग. समझ लो गधे हो तुम लोग उन लोग के लिए. हाँ मतलब 71 लाख रुपए तुमको दे रहे हैं 5 जिंदगी खरीद रहे हैं समझ लो. आपको दो दो बच्चों की बंदिश नहीं है. 6-7 बच्चे आप कर सकते हैं आराम से. ये वैसे कोई अच्छी बात नहीं है. नहीं पॉपुलेशन इंक्रीज करना है. आई मीन आप पॉपुलेशन इंक्रीज करना है पर ये भी तो सोचो कितना जो है लोड डाल दोगे तुम धरती माँ पे. धरती माँ पर पड़ेगा लेकिन वहाँ पॉपुलेशन नहीं है. वहाँ धरती माँ भी इतनी है भाई. जब वहाँ पे भी खत्म कर दोगे पेड़ तो जिंदा कैसे रहोगे. अरे तो सुनो ये तो वहाँ बात की बात है लेकिन ये बता रहा हूँ मैं क्या बच्चे नहीं पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है. कितने बच्चे को उन्हें वो लगा देंगे अगर कि दो बच्चे. लेकिन हाँ आपकी जिंदगी समझ लो 71 लाख में वो खरीद रहे हैं. इतना है कि आपको हर चीज उनके अकॉर्डिंग करनी है समझ लो. आप अपनी मर्जी से नहीं रह सकते हो तो गए और अपनी मर्जी से पड़े हुए उस वर्ग पर.
तुम्हारे क्या तुम्हारे व्यूअर्स है भाई क्या तो और क्या कार व्यूअर्स है वो व्यूअर्स है व्यूअर्स तो देते नहीं व्यूअर्स है कभी देखेंगे कभी देखेंगे मैं जब देखेंगे तब पता चलेगा अभी नहीं देख रहे अभी नहीं देख रहे तो हम कुछ नहीं बोल सकते चल सुअर और इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट 30th अगस्त तक 30th अगस्त तक जिसको जो है वहां का वासी बनना है निकल ले इधर निकल बस दिस हूर नहीं मिलेगी लेकिन एक हूर जरूर मिलेगी हाँ एक हूर मिलेगी भले वो कहीं की भी हो कुछ तो होगी वो होगी पर लड़की होगी जिसको सिर्फ लड़की का मतलब निकल लो लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसके पास यहाँ पे बहुत ही अरे यहाँ प्रॉब्लम में है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है नल्ला पड़ा है किसी को काम नहीं है भीख मांग रहे सर निकल ले उधर नहीं 71 लाख इज अ गुड ऑप्शन 20 लाख मिल रहा है और लड़की मिल रही है लेकिन 71 लाख आप ये सोचो यहाँ पर जो है 71 लाख है वहाँ जाके कम नहीं जाएगा वहाँ भी खुश रहेगा ना बंदा गरीब यहाँ गरीब में झेल रहा है कुछ रहेगा कम से कम भले गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा लेकिन उसके बिजनेस खोला पैसा अच्छा सा कुछ कमा रहा है वो दारू का टीका खोलना दारू को पीता नहीं होगा देसी पिलाना भाई देसी मजा आ जाएगी उनको पी के जब फुल्लो होकर पड़े रहेंगे ना आयरलैंड वाले तो हम लोग आएंगे देख रहे और भाई पॉपुलेशन बढ़ाने की कैसे चल रही है फुल्लो होकर सारे बच्चे करे पड़े 10 आपने 6 साल बोले 15 कर दिए एक ने 15 कर दिए तो भाई वहां पर पता है मुस्लिमों को भेजना चाहिए गुड ऑप्शन लाते हैं पर लाना पड़ता है ये है आज का सबसे अच्छा ऑप्शन आपको जाना है तब जा सकते चलो अब जब ये टॉपिक हो गया है अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक और स्टोरी की तरफ आज मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है लाइक इस वाली स्टोरी में जो ट्विस्ट है ना वो कल वाली स्टोरी जितना नहीं है लाइक जो पिछले एपिसोड की स्टोरी थी उसके जितना नहीं है ट्विस्ट इसमें बहुत सिंपल सा मामला है बट जो भी है भाई बहुत खतरनाक है ठीक है और इसमें ये है कि अब इसमें है एक हस्बैंड और एक वाइफ ठीक अब हस्बैंड और वाइफ हैं और उन लोग की हस्बैंड और वाइफ के साथ में है समझ लो जैसे एक्स और वाई है ठीक है वो हस्बैंड वाइफ है जो हस्बैंड है उन लोग डाइवोर्स हो गया हस्बैंड वाइफ का वाइफ चली गई अब वाइफ से समझ लो स्टोरी में कोई मतलब नहीं है ठीक है वाइफ का कोई रोल भी नहीं है इसमें तो रैंडमली वो जो वाइफ बंदा है जिसकी शादी हुई थी जो मेल होता है जो हस्बैंड होता है उसकी शादी नहीं हुई अब उसकी शादी टूट गई तो वो अपनी जिंदगी जी रहा होता है मस्त एकदम वो वाला कंस्ट्रक्शन वर्क का काम करता है और वो उसके अंडर में एक टीम आती है ठीक है पूरी जिसके ऊपर वो लीड में जो है काम करता है अब वो अपना जिंदगी जी रहा होता है एक दिन उसको डेटिंग साइट पे मिलती है एक लड़की ठीक है वो होती है समझ लो 35 साल की और वो होती है टीचर एक स्कूल की ये टीचर जो होती है लाइक बहुत ऑब्सेसिव होती है अब आपको ये पता चलेगा क्यों ऑब्सेसिव है ठीक है आगे तो अब ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है बढ़िया से एकदम अपनी जिंदगी जी रहा होता है एक दिन जो है रैंडमली इस जो लड़की होती है इसका मैसेज आता है उसके पास कि यू वांट टू मीट मी तो ये बोलता है ठीक है हम लोग मिलते हैं और फिर जब ये मिलने जाते हैं तो लाइक ये कहता है मेरे घर पे मिलो लेट्स मीट फॉर द डिनर तो अब वो डिनर के लिए मिल नहीं पाता है क्योंकि उसका काम एकदम से रैंडमली उसी दिन प्लान जो होता है प्लान कभी कभी फेल हो जाता है उसका प्लान फेल हो जाता है वो नहीं मिल पाता उस लड़की से तो वो बहुत लेट हो जाता है उसको और फिर वो एकदम सुबह के वक्त दिन के वक्त आता है अगले दिन जो है वो काम करके आता है मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर को समझ लो वर्क रात में होता नहीं पर उसका था तो वो करके आता है रात में अगले दिन तो उसका जो है दिखता है कि उसके घर में चीजें जो है सब कुछ वैसी ही है बस डोर अनलॉक है सब कुछ एकदम सही है बट डोर अनलॉक है यहां से होता है शुरू क्या कहते हैं ट्विस्ट और हाँ ये मैं बताना भूल गया उस बंदे का जो डाइवोर्स हुआ होता है जो बच्चों की कस्टडी होती है वो उसको मिल गई होती है मतलब उस जो वाइफ होती है उसके पास बच्चे नहीं जाते पर उसको ये एलिमनी दे देता है एलिमनी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको एलिमनी शायद बोलते हैं कस्टडी कस्टडी नहीं कस्टडी तो बच्चों की इसको मिलती है मुझे पैसे जो देने होते हैं उसको हाँ हम लोग कॉम्पनसेशन बोल रहे थे टर्म याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट टर्म जो लॉ वाला टर्म होता है तो समझ लो कस्टडी उसको मिल जाती है बच्चों की सारी और वो अपने बच्चों के सामने रह रहा होता है तो अब जो है वो जब आता है अगले दिन तो उसको दिखता है कि उसके बच्चे जो है घर पर नहीं है और एलिमनी हाँ एलिमनी बोलते हैं ठीक है चलो मेरा टर्म सही था
तो एलिमिनी जो चलो खैर वो तो हो गया, अब उसके बच्चे उसको दिखते नहीं घर पे, उसको ये दिखता है कि उसके जो क्या कहते हैं वो है क्या कहते हैं पूरा घर वैसे का वैसे एकदम सुलझा एकदम साफ पड़ा हुआ है और बस डोर अनलॉक्ड है और फिर बच्चे घर पर नहीं है। आगे उसको जाके मिलती है नोट, अब उस नोट पे लिखा रहता है कि मैं जो है आ रही हूँ थोड़ी देर में, तुम्हारे बच्चों को मैंने जो बाहर भेज दिया है, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है। बोले वो अब ये होती है वो 35 साल वाली गुड़िया जो है इसको जिसको फंसाती है वो आती है, उसने ये सब चीजें प्लान करी होती है। पूरी स्टोरी नहीं है ये, बस एक समरी है। हाँ पूरी स्टोरी बताने लगेंगे तो भाई पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टोरी वैसे भी खैर हम लोग एंड के वक्त ही बताते हैं। तो स्टोरी में यही होता है कि मतलब वो आती है, जब वो आते तो देखते हैं नोट पड़ा हुआ है कि सारे बच्चों को हमने भेज दिया है जो है ट्रिप पे, और तुम जो है आओगे बैठ जाना जो है अपना काउच वाउच पे, तुम सेटल हो जाना अपना आराम आराम कर लेना, मैं तुमसे रात में मिलूंगी। अब रात में वो मिलूंगी बोलती है और तो बंदा उसको सीरियसली लेता है, कहता है ठीक है चलो मिलती है तो मिलने दो, लेकिन बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। तो उसको ये गुस्सा आ जाती है बच्चों को क्यों भेज दिया। अब भाई तुम किसी से पूछे उसका बच्चा कर लोगे, तुमको जानता थोड़ी हो, तुमसे तो अभी मिला है वो डेटिंग साइट पे वो भी, और तुमसे घर पहुंच के उसके बच्चे उठवा लिए, तो वो जो गुस्सा हो जाता है पर वो भूल जाता है थोड़े से बाद, और जाके वो आराम से सो जाता है अपने बेड पे। उसको ये पता चलता है वो कितनी देर तक सो गया रात में। अब जो रात हो जाती है ठीक है 7-8 बजे बच जाते हैं आराम से रात के, तब उसकी नींद एकदम से खुलती है। तो वो देखता है उसके सामने वो लड़की खड़ी हुई है, एकदम प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई रेड कलर की लड़की खड़ी हुई है, और जो है वो एकदम समझ लो सब पका जाता है, वो एकदम सारा गुस्सा उसका ठंडा हो जाता है समझ लो उसको देखकर। और वो जो है बेड में मुंह देता है, ऐसा नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है उसकी नींद थोड़ी सी खुलती है, तब वो देखता है कि रेड ड्रेस में लड़की खड़ी है बहुत सुंदर सी, तब उसको पता चलता है कि वो है, और उसको ये समझ नहीं आता उसने डोर लॉक किया था वापस से, वो अंदर कैसे आई। उसके पास ही दूसरी गच्चा भी उसके घर की मिल गई होगी कैसे भी, आई मीन हाँ इसका एक पार्ट है बहुत पहले का, ये कोई काम का नहीं था इसलिए मैंने बताया नहीं, समरी है इसीलिए। तो वो उसको चाबी रहती है उसके पास एक, ऑलरेडी ये लोग बहुत पहले भी मिल चुके होते हैं पर बाहर के साइड में। तो ये होता है कि फिर आती है वो और ये लोग जो है बात बात करना शुरू कर देते हैं बेड पर बैठ के। थोड़ी देर बाद जो लड़का होता है उसको एकदम से याद आता है कि हाँ उसके बच्चों को कहाँ भेज दिया, फिर ये वो लाइक ये सब डिस्कशन शुरू कर देता है। तो अब वो जो लड़की होती है वो कसाई खाने में काम करती है, उसकी जो है टीचर की जॉब हट चुकी होती है। हाँ अरे टीचर की जॉब से उसको हटा दिया गया होता है, ये तो ये आगे ये जो चीज होती है ये आगे होती है कि लाइक उसको टीचर की जॉब से हटा दिया गया होता है, रेस्टिगेट कर दिया जाता है उसको, और फिर निकालने के बाद वो एक कसाई खाने में काम करती है। तो उसके पास हर टाइप का हर लंबा लंबा छोटा हर टाइप का चाकू होता है, और जो उसके पास पूरी किट लेके वो घूमती रहती है क्यों कर ठीक है। तो उसके पास पूरी किट होती है। अब उसको आ जाता है गुस्सा इस चीज पे कि तुम क्यों पूछ रहे हो, फिर वो ऐसे लड़ाई लड़ाई करने लग जाती है उससे कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारे बच्चों को मैंने इसीलिए भेजा ताकि हम लोग एक अपना पर्सनल टाइम जो है ले पाए वगैरह वगैरह। लेकिन वो बंदा मानता नहीं, वो कहता है अफकोर्स भाई कौन मानेगा, तुमने उसके बच्चे जो है बिना पूछे उससे डाल दिए, तुम लोग को वो जानता भी नहीं अच्छे से इतना, तो तुम उसको वो कर दी। तो वो जो है गुस्सा जाता है, अब उसको लेके जाती है किचन में, ठीक है उसको किचन में लेके जाती है, और वो भी किस हालत में, पहले तो वो चढ़ती है उसके ऊपर और हथौड़ा लेकर आती है और उसके सर पे धनाधन धनाधन उसके सर पे मार देती है चार पांच बार मारती है ताकि वो बेहोश हो जाए। और फिर जब वो बेहोश जाता है उसकी छाती में ये कंफर्म करने के लिए वो मर गया है चाकू उठाती है और 17 से 20 बार 21 बार भोंक देती है एकदम कायदे से, लेकिन वो तब भी मरा नहीं होता है बंदा। तो जो है तो वो उसको ऐसे फिर खींचते हुए लेकर जाती है और फिर और अच्छे से कंफर्म करने के लिए उसके सर को पूरा खोल देती है। मतलब समझ लो वो जो हथौड़ा था बहुत गोर है, समझ रहे इमेजिन करके सुनोगे तब मजा आएगी। और वो हथौड़ा उठाती है और इतनी बार उसकी वार करती है उसको पूरा सर खुल जाता है, मतलब भेजा बाहर और पूरा खून खून पूरे किचन में। फिर जो है उसके उठाती है चाकू और भाई वो इतनी वो बुचड़ होती है तो वो इतनी परफेक्ट होती है स्किन उतारने में,
बच्चों का काम ये था ना, पहले स्किन उतारो, स्किन उतार दो, देन काटो। तो वो उसकी स्किन को इतनी परफेक्शन से काटती है, पूरा सर से लेके नीचे तक उसकी पूरी शरीर की स्किन निकाल देती है, और फिर स्किन निकालने के बाद पूरे में खून 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 हो जाता है, और फिर स्किन निकालने के बाद निकालती है और टांग देती है कबर्ड पे, कबर्ड के ऊपर, एक एक होता है जो लिविंग रूम वाला कबर्ड है उस पे टांग देती है, और दूसरे साइड के लिविंग रूम में वो क्या कहते हैं वो कर देती है पूरे में, दूसरे साइड के लिविंग रूम में वो एज अ शायद किसी और चीज के पर्पज से यूज करती है। हाँ, उसमें वॉशरूम में जहां पे कर्टन टांगते हैं, कर्टन जगह पे टांग देती है, और बच्चे को चीजें खाल होती है उसकी, और जो उसकी सर होता है उसका वो पूरा जो है बना देती है, अपने लिए सूप बनाती है, उसकी भेजे का सूप बनाती है अपने लिए, और बच्चे बच्चों को खिलाने के लिए वो उसकी पापा को वो बनाती है, लाइक जो बाकी बच्चा मीट है जो भेजा है उसका वो अपने लिए सूप बनाती है, और जो बच्चा जो बाप है उसका उसको काट कर उसके बच्चों के लिए वो बनाती है, लाइक जो होता नहीं क्या कहते हैं प्लेट, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग यहाँ पे वो बनाते हैं चाट बनाते हैं ना, सही लोग हाँ। चाट में देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी बनाते हैं वो लोग, बॉल 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 वो होती है, आई लॉस्ट इट बॉल टेक्निकली, हाँ वो तो बताती हाँ। तो यहाँ पे जैसे आप लोग चाट खाते हैं तो वैसे ही लाइक चाट के तरीके से वो बना देती है बर्गर में बंस, हाँ बर्गर के जो बीच में डालता पैटी, पैटी बना के जो है तीनों बच्चों के, तीन बच्चे होते हैं उसके, तो तीनों बच्चों के लिए प्लेट सजा के रख देती है, और उनके नाम लिख देती है उसमें प्लेट के नीचे जो है नाम डाल